बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए सतत पोषणीय विकास हमारे पूर्वजों का सिद्धांत था, किंतु आज आधुनिक जीवन शैली में यूज एंड थ्रो और सिंगल यूज का सिद्धांत अपनाया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और पर्यावरण को हानि पहुंचने के साथ साथ वनस्पति और वन्य जीवों पर भारी संकट आ रहा है। कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी है और कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही लुप्त होती एक प्रजाति जिसका नाम है बया, या उसकी कार्य कुशलता के कारण उसे वेवर बर्ड या ट्रेलर बर्ड भी कहते हैं। साथियों, अगर आपका जन्म किसी गांव में हुआ है तो जरूर आपको याद होगा बचपन में बया के इस घोंसले को हम टोपी की तरह पहनते थे और बड़े इतराते थे। आज हम इसी बया नामक पक्षी के ऊपर चर्चा करेंगे। बया पक्षी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण एशिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा पक्षी है। जिस प्रकार घरों में घोंसला बनाकर गौरैया रहती है, उस गौरैया चिड़िया के विपरीत यह निर्जन और दुर्गम स्थानों पर नहर, नाले, नदी और जल स्रोतों के किनारों पर कांटेदार पेड़ों पर जैसे खजूर, खेजड़ी, कीकर आदि पेड़ों पर ये अपने घोंसले बनाती हैं। बया पक्षी सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कॉलोनी के रूप में रहती है, जहां पर 5 से लेकर 15-20 तक के घोंसले ये सामूहिक रूप से बनाते हैं और इनका पूरा कुनबा वहां रहता है। लेकिन अमूमन बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण असंतुलन के कारण कई बार हम सड़कों के किनारे सिंगल पेड़ पर सिंगल घोंसले के साथ भी इसको रहते हुए इसको देख सकते हैं। साथियों, मैंने लगभग 15 दिन तक खेतों में कैंपिंग की। और इस बया की जो घास है जिससे ये घोंसला बनाती है, उस घास को खोजा, उसको देखा। और इसको घोंसला बनाते हुए मैंने अध्ययन किया। कई दुर्गम स्थानों पर दलदली कांटों से युक्त और कीचड़ वाले रास्तों पर चल करके फसलों में ज्वार, बाजरे आदि अनाज के खेतों के बीच में जा करके मैंने इनका सर्च किया। कई जहरीले सांप, बिच्छू, कीड़े जैसे जहरीले कीड़े भी वहाँ पर पैरों में आते थे। लेकिन मैंने 15 दिन की कैंपिंग के बाद अपने आने वाली पीढ़ी और छोटे बच्चों की जानकारी के लिए इस बया के घोंसले पर मैंने एक वीडियो तैयार किया है और आशा है बच्चों को इसकी जानकारी मिलेगी।